दोस्तों क्या आपको पता है कि YouTube चैनल का नाम चेंज कैसे करते हैं? भाई अब कुछ लोग कमेंट में आकर के बोले हैं कि भाई हमको पता है, सही तरीका आपको पता है? अगर जो आपको सही तरीका पता है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ भाई हमको सही तरीका पता है। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर जो आपको YouTube से नाम चेंज करना है ना, वो तरीका गलत है। अगर जो इसके अलावा आप जानते हैं कि आपको ट्रिक पता है तो आप कमेंट में आकर के बोले कि भाई हमको ट्रिक पता है। अगर जो आपको ट्रिक नहीं पता तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि YouTube पर नाम चेंज करने का सही तरीका क्या है। अगर जो भाई आप YouTube से जाकर के नाम चेंज करते हैं ना, तो आपका YouTube चैनल का नाम तो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बस नाम चेंज हो गया, उसके बाद आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा। अगर जो आप YouTube से नाम चेंज करते हैं ना, तो आपका YouTube चैनल सर्च में इसलिए नहीं आता है क्योंकि भाई आपका जो कीवर्ड वगैरह वो तो चेंज नहीं होता ना, बस आपका YouTube चैनल का नाम चेंज होता है। इसीलिए आपका कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ चेंज करना है। आपको भाई सही तरीका बताएंगे कि आपको कहां से YouTube चैनल का नाम चेंज करना, कीवर्ड में आप नाम डाल के रखे हैं वो कहां से डालना। अगर जो आपका YouTube चैनल ऑलरेडी पहले से भी सर्च में नहीं आ रहा, तो इस वीडियो में भी आप बने रहिए, इसमें भी बताएंगे कि वो चैनल सर्च में कैसे आएगा, क्या सेटिंग को ऑन करना और क्या कीवर्ड्स डालना, आपके जो चैनल का कीवर्ड है वो क्या डालना है वो बताएंगे। बस आप वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पहले बताते हैं कि गलत तरीका क्या है नाम चेंज करने के लिए। तो भाई सबसे बड़ा जो गलत तरीका जो नाम चेंज करने का है, यहाँ से आप YouTube में आते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं YouTube को, ठीक है। YouTube ओपन करने के बाद भाई यहाँ कॉर्नर में आपको एक यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका जो नाम है उस पे आ जाइए। आने के बाद भाई यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका जब YouTube चैनल का प्रोफाइल यानी कि डैशबोर्ड ओपन होगा ना, यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन आएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे भी आपको नाम चेंज करने का आएगा। देख लीजिए, यहाँ से भी आप इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ से आप नाम चेंज कीजिएगा ना, तो आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा। अगर जो आपका YouTube चैनल सर्च में आ भी रहा है ना, तो बट आप यहाँ से नाम चेंज कीजिएगा तो आपका YouTube चैनल का जो नाम है वो सर्च में नहीं आएगा। भाई एक चीज और बताए, आप नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब भाई अब बताएंगे कि सही तरीका नाम चेंज करने का क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो बाइटियो स्टूडियो वो डेस्कटॉप साइज में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई यहाँ से ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर के, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद भाई यहाँ पे bytestudio.com, ठीक है। जैसा ही आप बाइटियो स्टूडियो सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर में थ्री लाइन का एक ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसा ही इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देख लीजिए डेस्कटॉप साइज का एक पेज आ रहा है, ठीक है। आपको इस पे टिक कर देना। जैसा ही इस पे टिक कीजिएगा तो ये जो है वो डेस्कटॉप साइज में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, दूसरे नंबर पे लॉग इन का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इस लॉग इन वाले पे क्लिक कर देना। जैसा ही इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो बाइटियो स्टूडियो वो डेस्कटॉप साइज में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, जो मेरा बाइटियो स्टूडियो वो डेस्कटॉप साइज में ओपन हो रहा है। अब भाई यहाँ से बताएंगे कि YouTube चैनल का नाम चेंज करने के लिए सही तरीका क्या है, ठीक है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे आप नीचे से दूसरे नंबर पे कस्टमाइज का एक ऑप्शन आएगा, डॉलर के नीचे पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला देख लीजिए लेआउट है, और दूसरा ब्रांडिंग है, और तीसरा भाई बेसिक इन्फो है। तो आपको यहाँ से बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बेसिक इन्फो पर क्लिक कीजिएगा तो भाई ये सही तरीका, यहाँ से जब आप नाम चेंज कीजिएगा ना, इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वो यहाँ से चेंज करने के ऑप्शन आएगा, और इससे आप जो नाम चेंज कीजिएगा ना भाई 100% आपका YouTube चैनल सर्च में आएगा। और भाई अभी आपको एक सेटिंग करना है, वो सेटिंग क्या करना है वो भी और बताएंगे, तभी आपका YouTube चैनल सर्च में आएगा। अगर भाई आप यहाँ से नाम चेंज करते हैं फिर भी जो आपका जो कीवर्ड है उसमें नाम तो नहीं होगा ना, अगर जो उसमें नाम नहीं है तो चैनल नहीं सर्च में आएगा, ठीक है ना। तो अभी इसके बाद भी आपको एक सेटिंग करना है, ठीक है ना। तो आप पहले यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसका नाम जो है वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद भाई आप चाहें तो यहाँ से हैंडल भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद भाई यहाँ पे देख लीजिए पब्लिक का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको पब्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे ही आप पब्लिक कीजिएगा ना, तो कॉर्नर में ध्यान से यहाँ पे आप नीचे साइड में देखिएगा, एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, ये सेटिंग का। और यही सेटिंग आप कीजिएगा तो आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे चैनल का एक ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पहला बेसिक इन्फो है, दूसरा एडवांस सेटिंग, तीसरा फ्यूचर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो आपको भाई बेसिक इन्फो पे ही रहना, और यहाँ पे देख लीजिए कुछ कीवर्ड हम डाल के रखे हुए, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप जो अभी यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किए थे ना, वो कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे डालना है, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वो यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद भाई यहाँ पे भी आपको सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद भाई आपका जो यूट्यूब चैनल है वो भाई 100% सर्च में आएगा। अगर जो आप
इतना चीज कर देते हैं ना, उसके बाद आपका YouTube चैनल सर्च में भाई 100% आएगा, उसका गारंटी देते हैं, ठीक है ना। बस आपको जो सेटिंग बताएं वो सेटिंग को कर लेना, और भाई आपका YouTube चैनल के नाम किस तरह से चेंज करना, अगर जो आप बाइटियर स्टूडियो डेस्कटॉप साइज में जाकर के अपना YouTube चैनल का नाम चेंज करते हैं, उसके बाद जो सेटिंग बताएं वो सेटिंग कर देते हैं, तो इसके बाद आपका YouTube चैनल भाई 100% सर्च में आएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद भाई आपको छोड़ देना और आप अपने YouTube चैनल को सर्च करके देख लीजिए, आपका YouTube चैनल सर्च में आएगा। इसी तरह से आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी जल्द वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।